फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 9 मंदिर। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो हम लोग सेक्टर 9 जा रहे हैं मंदिर। मम्मी आ रही है, मम्मी भी हमारे साथ जा रही है। मम्मी, पापा और मैं जा रहे हैं बस। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। यह जो मंदिर है दोस्तों, सेक्टर 9 हॉस्पिटल के बीचों बीच काफ़ी पुराना मंदिर है दोस्तों, और यहाँ दूर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं। दोस्तों, यहाँ जैसा कि आपको बता दूं कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल के बीचों बीच ये मंदिर है, और यहाँ कुछ ऐसा हुआ था। बताया जाता है कि बजरंगबली मंदिर के जस्ट पीछे ही ऑपरेशन थिएटर है दोस्तों, और वहाँ पर जो पीपल का पेड़ था उसे क्रेन से हटाने की कोशिश की गई, मगर वो क्रेन से तो हट नहीं पाया, और बजरंगबली की प्रतिमा भी हटाने के लिए टस से मस भी नहीं कर पाए। तो ऐसा यहाँ की मान्यता है दोस्तों, जो कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी फिर इस पे विचार विमर्श किया और यहाँ मंदिर को परमानेंटली रहने दिया। और यहाँ पर जो है पीछे ऑपरेशन थिएटर भी है, जो मंदिर के जस्ट पीछे ही लगा हुआ है दोस्तों। तो काफ़ी समय से यहाँ पर पूजा पाठ, पूजा अर्चना चलते रहती है। आप लोग भी आएँ, कभी आपका आना हुआ तो आप लोग भी आ सकते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको मंदिर अंदर से दिखाया, अब ये देख लीजिए बाहर से भी। तो इसके आजू बाजू पूरा सेक्टर 9 हॉस्पिटल है, और बीच में यहाँ मंदिर बना गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम लोग यहाँ रुके हैं कुल्लड़ वाली चाय टेस्ट करने के लिए। अभी हम लोग कुल्लड़ वाली चाय पीने वाले हैं। ये दुर्ग स्टेशन है, दुर्ग स्टेशन के सामने हम लोग यहाँ कुल्लड़ वाली चाय ट्राई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी कुल्लड़ वाली चाय। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर न्यू व्लॉग। तो चलिए चलते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।